हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आपके गांव में, आपके शहर में रक्षाबंधन कल था या आज है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत से जगह पे कल भी था रक्षाबंधन और बहुत से जगह पे आज भी है। तो हमारे यहाँ पे, हमारे बिहार में आज रक्षाबंधन बहुत जगहों पे आज ही मनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का मुहूर्त इस बार कुछ अलग ही है, बहुत अलग है। तो इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त है, राखी बांधने का मुहूर्त है। 7:30 बजे तक, रात से भी 9 बजे रात से स्टार्ट हुआ है मुहूर्त बांधने का, राखी बांधने का, और 7:30 बजे सुबह तक ही है। तो फ्रेंड्स, अभी 6:30 बज चुका है और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को रेडी करके, उन्हें स्नान करा के, उन्हें रेडी करके, वस्त्र श्रृंगार सब उनको रेडी करके, फिर उन्हें मैं राखी बांधूंगी अपने कान्हा जी को। और इसके बाद फिर बच्चों को लेकर मैं जाऊंगी उनके बहन से राखी बनवाने। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। और देखिए, आप लोग को मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे हम क्या करते हैं, बच्चे कैसे राखी बनवाते हैं। प्लीज़ ये सब आज आपको हम दिखाएंगे। बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, छोटा सा ही ब्लॉग होगा। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बीच से इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे एक ही भाई है और वो मुंबई में रहते हैं। तो मैं राखी कई साल से नहीं बांध पाती अपने भाई को, क्योंकि दूर रहते हैं और वो भी आना ज़रूरी नहीं समझते, आप तो जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 2 साल से अपने कान्हा जी को राखी बांधती हूँ, क्योंकि हमारे भगवान जी हैं ना, वो हमें सब रूपों में, हम उनको सब रिश्तों में उन्हें हम मानते हैं। और कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। मतलब हे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे भाई हो, बहन हो, बंधु हो, सब कुछ हो। तो मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ आज के दिन। वैसे तो कई रिश्ते हैं, वो हमारे माता पिता है, हर कुछ है, वही है। ये संसारी रिश्ता तो दिखावे का है, ये तो बस कुछ सालों का है, जो एक दिन रहेगा एक दिन नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम भगवान से ही कोई एक ऐसा रिश्ता बनाए, जो रिश्ता हमारे इस जन्म से लेके उस जन्म तक, मतलब जीवन से लेके मरने के बाद तक, वो रिश्ता हमारा कायम रहे। और वो कान्हा जी हमें परम दयालु हैं, हम उन्हें श्रद्धा से, हम उन्हें अपना मानते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, तो वो भी हमसे ज़रूर प्रेम करते हैं। हम बच्चे कितने भी नालायक भी होते हैं, फिर भी भगवान माता पिता उनसे प्रेम करते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रेम करते तो ही वो हमें प्रेम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी जो बच्चे माता पिता से ज़्यादा प्रेम करते हैं, लगाव उस माता पिता को उस बच्चे से भी ज़्यादा होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं जी। है तो फ्रेंड्स, चलते हैं। अब हम भगवान जी का, उनको हम उठा गए हैं, सोए हुए हैं, सुबह भगवान जी को उठाना चाहिए, इसके बाद फिर उनका स्नान कराना चाहिए। तो हम भगवान जी को उठा चुके हैं, अब हम चलते हैं उनको रेडी करने। इसके बाद फिर हम राखी बांधेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं कैसा राखी है, कैसा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कान्हा जी के कपड़े ये हैं, ड्रेस जो मैंने रात को बनाई थी, रात को बनाई हूँ, देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें अभी रात में कम टाइम था, इसलिए इसमें फिनिशिंग थोड़ी सी रह गई है, फिर भी कोई नहीं, मैं अभी कान्हा जी को यही ड्रेस पहना दूँगी। ये उनका दुपट्टा है, और फिर मैं इसको बाद में इसकी फिनिशिंग दूँगी। फिनिशिंग ये होगा कि इधर साइड से जो सिलाई नहीं मारे हैं, इधर साइड से सिलाई मार देंगे। और इस दुपट्टा को हम यहाँ से ऐसे ही सेट कर देंगे, इसी में सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको फिर से, जब रेडी हो जाएगा तो फिर हम आपको किसी और वीडियो में दिखाएंगे, वो बहुत छोटा सा ही होगा वीडियो। तो फ्रेंड्स, देखिए ये रेडी है। मैं अब मैं कान्हा जी को स्नान कराने के लिए मैं आई हूँ। तो फ्रेंड्स, कान्हा जी को स्नान कराने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी उनको
कैसे राखी बांधते हैं, क्या तैयारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे कान्हा जी रेडी हो गए हैं, नहा धो के नए ड्रेस पहन के एकदम से बैठे हुए हैं सांवरिये सेठ जी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे कान्हा जी का, मैं ये राखी लाई हूँ उनके लिए। देखिए ये ओम का राखी है, मुझे ये राखी पसंद आया तो मैंने अपने कान्हा जी के लिए ये राखी ली हूँ। मैं इन्हें ये राखी बांधूँगी। और यहाँ पे मैंने उनके लिए लड्डू लिए हैं, पेड़े लिए हैं, यहाँ पे फूल रखे उनके लिए। तो फ्रेंड्स मेरा श्रृंगार हो गया, अभी मैं इन्हें राखी बांधूँगी और ये प्रसाद खिलाऊँगी। इसके बाद फिर आरती करने के बाद फिर मेरा पूजा पूरा हो जाएगा, फिर बच्चे को लेके मैं जाऊँगी। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स मैं अपने कान्हा जी को राखी बांध रही हूँ, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। हमने अपना पिक्चर ही लगा दिए क्योंकि वीडियो नहीं ले पाए इसलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो बच्चों के लिए को लेकर हम जा रहे हैं राखी बनवाने बच्चों को। तो देखिए एक बच्चे यहाँ पे हैं और एक आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग में जुड़े रहिएगा और देखिए कैसे बच्चे राखी बनवाते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बहन नेक समेटने में एकदम से बिजी हैं। और देखिए यहाँ भाइयों का भीड़ लगा हुआ है, तो सारे भाई इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे राखी बनवाने के लिए। और यहाँ पे बहन है नेक समेटने के लिए। Yeah.
फ्रेंड्स, यहाँ पे राखी बांधने का जो कार्यक्रम था वो पूरा हुआ। अब देव जी को राखी बंधा रहा है। देखिए देव जी को, देव जी के हाथ में जो लाइट वाला राखी है, वाह क्या बात है। फ्रेंड्स, आप लोग को ये देव जी का राखी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए देव जी एकदम से राखी बंधवाने के लिए एकदम एक्साइटेड हो रहे हैं। और देखिएगा आप देव जी का हरकत देखो, बर्थडे नहीं हो रहा देव जी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देव जी देखते रहिए ये हमारा वीडियो, और प्लीज कमेंट कर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए देव जी बर्थडे मना रहा है जैसे कि। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अब अपने घर बच्ची को राखी बनवाकर। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।